गुड इवनिंग्स। तो यहाँ पे 8 9 या 10th 11 एंड 12th, 10 की कितने स्टूडेंट है? 11th और 12th। ठीक, तो अपन यहाँ पे अक्षय बार से, उनका कंप्लीटेड हुआ है, एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है, ऐसा गेस्ट लेक्चर, एक आधे घंटे का गेस्ट लेक्चर रखा है। गेस्ट लेक्चर मीन्स क्या कि हम उसको मोटिवेशनल लेक्चर भी बोलते हैं और गेस्ट लेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सर का स्वागत करते हैं। मैं शकील सर को बोलता हूँ कि सर को एक गुलदस्ता दे के उनका स्वागत करें। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अच्छा से अच्छा एक छोटा सा और एक हमारी लाइफ बदलने वाला एक छोटा सा लेक्चर दे, इससे कि हमें भी पता चले कि उनके करियर में क्या हुआ। और पिछले साल भी उनका लेक्चर हुआ था, इस साल पिछले साल उनका लेक्चर सुनने में कोई था क्या पे? नहीं था। हसन थे क्या? ठीक है, तो आप फिर से देखो सर सुन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरे जोर से बोलो जरा। ऐसे लेक्चर में बैठते टाइम ना अपने एक्टिव रहना चाहिए। तो तुम एक्टिव रहे तो हमको भी समझता कि सामने वाला को अपने को किसको क्या बोलना है, और आपको भी समझता कि मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही या सिर्फ मुझे बोलने के लिए बोल रही कि अच्छी चल रही? अच्छी चल रही ना। तो मैं आपको, सर ने जैसे बोला कि आपको इस बारे में बताऊंगा कि अभी आपके 12th है, तो मतलब फेब्रुआरी के टाइम पे आपकी एग्जाम रहेंगी फाइनल बोर्ड की, उसके बाद रहेंगी मई में नेट नीट की एग्जाम। तो वो टाइम तक, आज से अभी अक्टूबर से लेके फेब्रुआरी या मई तक कैसी पढ़ाई करने की है, क्योंकि अभी ये आपकी फाइनल फेज है, क्योंकि ये आने वाला जो चांस है ये आपको डबल मिलने नहीं वाला। तो ये चांस में इतने टाइम के, जो आपके पास जितना टाइम है उसमें कितना बोलना है या कितना कितना पढ़ाई करनी है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अभी फिलहाल किसी को या पढ़ाई में या अभी कोई दिक्कत है क्या, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये टाइम पे मैं कैसे पढ़ूँ? अगर आपके, अगर मुझे समझ में आया कि अगर आपको कौन से प्रॉब्लम है, कि आपको किस वे से मुझे बोलना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि आप खुद से बोलो कि आपको क्या दिक्कत है पढ़ाई के मामले में फिलहाल ये स्टेज पे। अभी कोई है क्या? हाँ बोलो। हाँ, ये तो सबसे ये तो सबका ही होगा, उसका अकेले का नहीं है, सबका ही प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा कोई कि समझ नहीं आ रहा, कुछ समझता नहीं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री समझता नहीं, बायो समझता नहीं, ऐसा एक आधा तो सब्जेक्ट रहता है सबका कि जो एक आधे को समझ में नहीं आती, कि वो उसका एक वीकी पॉइंट रहता है कि वो समझता ही नहीं। ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे अपने इसमें। अभी ये सब पीसीबी के ही बच्चे हैं क्या, या किसी का मैथ या पीसीएम भी सब कॉमन है, ये जनरल है? तो अभी तो देखो कि आपका मोस्टली सब सिलेबस तो पढ़ के हो चुका होगा, हुआ है ना? तो देखो अभी अक्टूबर से लेके अगर आपने फेब्रुआरी तक किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने आपके हाथ में बचते हैं। अभी 4 महीने से जनवरी में आपकी रहती है कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम, और फरवरी में रहती है आपकी बोर्ड की एग्जाम। अभी तो आपने फॉर्म भी भर दिए होंगे, क्योंकि ये फॉर्म भरने का ही, अभी अक्टूबर नवंबर में बोर्ड के फॉर्म रहते हैं। तो इधर से आपकी एग्जाम शुरू होती है कि तुम फॉर्म कैसे भरते हो, कि आप वो टाइम पे क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो। कुछ कुछ गलतियां इधर से शुरू होती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि किसी की गलतियां फॉर्म भरने भी होती है, कि कोई सब्जेक्ट गलत कर देता है, कोई सब्जेक्ट की लैंग्वेज गलत कर देता है, क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट रहता है उसका राइटिंग की एक लैंग्वेज अलग रहती है। तो वो उधर से किसी की गलतियां शुरू हो जाती है, और फिर बाद में जाके समझता है कि यार आपने ये सब्जेक्ट ऑप्शनल था और आपने उसकी अलग लैंग्वेज लिखी थी। तो इधर से तुमको शुरू करना है कि आगे के 4 5 महीने तुमको खुद को कैसे संभालना है। खुद को संभालना मतलब पूरा पढ़ाई के मामले में, हेल्थ के मामले में, और आजू बाजू के आपके दोस्त दोस्त परिवार, ये सब चीजों में खुद को कैसे मेंटेन रखना है। उसके लिए सबसे पहले तो तुम खुद का एक टाइम टेबल बना लो, क्योंकि देखो आज यहाँ बैठे हर एक को ही 24 आवर मिलने वाले, मुझे, सर को, या किसी, सबको, दिन के सबको एक ही टाइम मिलता है, सबको 24 आवर मिलते हैं। लेकिन किसी को ज्यादा मार्क मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को कम 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 टाइम में ज्यादा समझ में आता है, किसी को ज्यादा टाइम लिया तो भी कुछ समझ में नहीं आता, ये हर एक का प्रॉब्लम रहता है। ये क्यों होता है? सिखाने वाले सर सबको, तुम सबको एक ही है ना, लेकिन फिर भी सब अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि तुम खुद से उस चीज को कितना पढ़ते हो, इसके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि तुम वो चीज को तुम्हारे दिल से कितना पढ़ते हो। कभी कभी क्या होता है कि अपन सर बोलते हैं कि आज तुम ये पढ़ के आओ, सर ने बोला इसलिए नहीं मत पढ़ने का, ये तुम्हारे लिए पढ़ा रहे, ये तुम्हारे लिए मौका है, ये तुम्हारे लिए मिले हुआ टाइम है। देखो हर एक को एग्जाम देनी है,
सर हर एक को ये एग्जाम देनी है, हर एक को इससे उसको पास होना है, हर एक को आगे बढ़ना है जिंदगी में, किसी को 12th पे रुकना नहीं। तो इसके लिए तुम्हारे हाथ में रहता है कि तुमने उस टाइम को कितना यूज करना। तो सबसे पहले तुम खुद के 24 आवर जो आपके पास मिल रहे 24 तास, उसको यूटिलाइज करना सीखो। मतलब अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, किसी का कॉपी मत करो, खुद का बनाओ कि ये 24 आवर अब मैंने कैसे करना है, इसमें स्टडी कैसी करनी है, इसमें क्लास कितनी बार करना है, इसमें स्लीप कितने टाइम टाइम के लेनी है, कितने टाइम का खुद का ब्रेक लेना है, और या दोस्तों या फैमिली इतर या मोबाइल वोबाइल लेके जितना भी होगा जिसको कितना टाइम देना है ये आपके हाथ में डिपेंड रहेगा। उसके बाद आता है पढ़ाई कैसी करनी, ये सबसे मेन जो है जो मैं आपको इसके बारे में बोलूंगा, पढ़ाई कैसी करनी है। देखो अभी आएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम, उसके बाद आएंगे नीट एग्जाम। अभी जो अभी का क्राइटेरिया देखा है, अभी की कॉम्पिटिशन लेवल देखी, तो अभी की कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पिछले 3-4 साल के देखिए, तो अभी के देखे तो बोर्ड के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अपने मराठवाड़ा रीजन या कोकण कोई भी रीजन लो, बोर्ड के रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर उसके कंपेयर में जब नीट के रिजल्ट आते हैं तो नीट के रिजल्ट में और बोर्ड के रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आता है। बोर्ड में 90% लेने वाला जो अगर बच्चा रहा तो उसका नीट का परफॉर्मेंस उतने ही लेवल का 90% का नहीं रहता, क्योंकि वो बोर्ड की स्टडी अलग करता है, बाद में जो टाइम मिलता है उसमें नीट की करता है। ऐसा नहीं करनी है, साथ में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अपने जो बोर्ड की बुक है या जो आपको सर ने या आपको क्लासेस ने जो नोट्स दिए हैं वो सब वो हिसाब से ही बनाए रहते कि आपका बोर्ड और आपकी नीट ये दोनों कवर हो जाना चाहिए। देखो अगर तुम पीसीबी ग्रुप के होंगे तो आपको बोर्ड का परसेंटेज सिर्फ इसके लिए है कि आपको पास होकर ग्रुपिंग निकाल के एक एक अच्छे परसेंटेज लाके आपको 12th पास करनी है, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में बोर्ड के परसेंटेज मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो आपको बोर्ड परसेंटेज भी कैलकुलेट होते हैं जो आपके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में काम आते हैं। तो इस हिसाब से आपने खुद बोर्ड को उतना वेटेज देना चाहिए कि कितना बोर्ड का पढ़ना चाहिए और कितना नीट का पढ़ना चाहिए, बट दोनों साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस इतना नहीं रहता। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट रहता, आपको बोर्ड में उसको पूरा डिस्क्राइब करना रहता, एक आधा फॉर्मूला रहा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अगर फॉर्मूला है तो आपको बोर्ड में वो पूरा फॉर्मूला कैसे आया ये सिखाना पड़ता, ये लिखना पड़ता है। लेकिन नीट के एग्जाम में वही आपको एक फॉर्मूला यूज करके आपको उसका एमसीक्यू आता है, ये जो अपना कॉमन पैटर्न रहता है, तो वो कैसा यूटिलाइज करना है कि एमसीक्यू कितने सॉल्व करने के या बोर्ड का कितना पढ़ने का। तो अभी आप बोर्ड पे वेटेज ज्यादा दो, क्योंकि जनवरी तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएगा और उसके बाद सीधा बोर्ड एग्जाम आएंगे। और एक प्रॉब्लम रहता है, तुम भूल जाते हैं कि पीसीबी के अलावा भी तुमको बोर्ड है, पीसीबी अलावा के आपके अलग दो सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश या एक सेकंड लैंग्वेज रहती है। कुछ कुछ बच्चे नहीं, मोस्टली कभी कभी सब बच्चे क्या करते हैं वो सिर्फ बोर्ड के टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं, और किसी ने कभी तब बुक भी खुला नहीं रहता कि यार अपने को ये भी सब्जेक्ट है, तो वो सीधा भूल जाते हैं कि ये सब्जेक्ट भी रहते हैं। लेकिन तुम अभी अभी ये स्टेज पर ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा वो सब्जेक्ट का मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीसीबी छोड़ के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो, वो सब्जेक्ट को भी साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं उसको। अभी अभी से शुरू किया, एक एक हफ्ते में एक बार भी एक सब्जेक्ट का थोड़ा पढ़ा तो तब तक वो उसका सिलेबस कवर हो जाता है, वो इतना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता आपके लिए। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते रहो, जितना सॉल्व करेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जितना सॉल्व करेंगे उतना पढ़ेंगे उतना आपको वो आसान जाएगा। उसके बाद आता सवाल बायो का, बायो के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट नहीं, मोस्टली शॉर्टकट किसी के लिए भी नहीं है आपके लिए। शॉर्टकट शॉर्टकट से तुम पास तो कभी नहीं हो सकते, या मतलब आपको जो चाहिए आगे उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले खुद का मतलब ये सब्जेक्ट का भी एक वेटेज बना लो कि किसी को कौन से सब्जेक्ट में कमी है। कोई बोलता मुझे फिजिक्स कम है, कोई बोल सकता है मेरे बायोलॉजी वीक है, कोई बोल सकता है मेरा केमिस्ट्री वीक है, कोई बोलता मेरा मैथ वीक है, तो तुम वो जो वीक सब्जेक्ट है उसको एक एक घंटा ज़्यादा दो, एक घंटा उसको ज़्यादा दो, बाकी सब्जेक्ट का एक घंटा कम करके वो सब्जेक्ट को उसका ज़्यादा दो। ऐसा अगर तुमने खुद का टाइम टेबल बनाया तो आप उतनी देर तक मतलब जो समय आपके हाथ में बचा है, मैं ये 12th वालों के बोल रहा हूँ, लेकिन 11th वालों को कभी ना कभी एक साल बाद आप भी यही समय पे आने वाले हैं, तो ये आपको तब के लिए भी याद रखना है कि कम समय में, अभी कम समय है तो कम समय अभी कितना पढ़ना है। अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी भी पढ़ के हो सकता है, किस कोई चीज मुश्किल नहीं रहती, तुमको उसके लिए खुद को उसके प्रयास करना पड़ता है, उतना आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है। कि अभी अगर तुमने बोला कि मेरा कुछ हुआ नहीं, एक आधा सब्जेक्ट बाकी है, तो अभी से पढ़ सकते हो उसको। तो अभी से अगर शुरू किया एक सब्जेक्ट वाइज, एक टॉपिक वाइज, दिन में एक टॉपिक लेने का एक सब्जेक्ट का, फिर दूसरे घंटे में दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक लेना, तीसरे घंटे में तीसरे सब्जेक्ट का टॉपिक, ऐसे तीनों सब्जेक्ट कवर करने का नीट के हिसाब से, और साइमल्टेनियसली
बोर्ड के दो सब्जेक्ट को तुमने टाइम बाय टाइम एक दिन में या हफ्ते में एक एक घंटा देके उसको कवर करने का, ऐसा आपको अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना करना ही होगा। उसके बाद जनवरी में थोड़ा प्रैक्टिकल को टाइम दो कॉलेज के, लेकिन उसके इसमें नीट का कंटिन्यूअसली एमसीक्यू स्टडी छोड़ना नहीं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको वो एमसीक्यू याद रहेंगे कि यार मैंने हाँ ये इतना इतना क्वेश्चन मैंने कभी तो ही पढ़ा था, ये एमसीक्यू मैंने ये टाइम पे ऐसा ऐसा सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड एक आधा एमसीक्यू आपको एग्जाम में आता ही रहता है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे द मोर एमसीक्यू यू विल सॉल्व द मोर आंसर यू विल नो, इतना ध्यान में रखो। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसके आंसर पता रहेंगे। ये हुआ एमसीक्यू के लिए और बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आता है ये जो उसने पॉइंट बोला कि खुद को प्रिपेयर कैसे करें स्टडी को, इतना ध्यान में रखो। ये जो समय है या ये जो 24 आवर है या जो टाइम है ये आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला है। ये जो मौका है जो अभी आपकी दीवार पे है, जो आपके घर पे दरवाजे पे ये जो मौका आया है आपने, ये आपको अभी से आने वाला है, ये वहां दोबारा नहीं आता। क्योंकि दोबारा आया तो अभी आपकी ये जो बैच है वो नहीं रहती। मैंने पिछली बार जब यहाँ पे आया था तब तब के एक भी बच्चे यहाँ पे नहीं, सब पास आउट हो गए। लेकिन अगर एक आधे ने तब सीरियसली नहीं लिया होता, अगर पढ़ाई नहीं की होती तो फिर एक साल फिर रिपीट करना पड़ता है, फिर जूनियर बैच में रहना पड़ता है। तो क्यों एक आधी चीज को अपन अगर अभी हो सकती है उसको कल पे टाल देना? मौका है ना अपने हाथ में तो अपन उसको देना, अपना खुद का जितना टाइम है अपन खुद जितना दे सकते उतना खुद पूरा देना ही पड़ेगा आप तुमको। इसलिए बोलता हूँ कि अभी का जो मौका है या अभी का आपके हाथ में जो समय है ये मत वेस्ट करो, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला। और रहा सवाल कंपटीशन या आप बोल रहे हैं कि किसी को ये सब्जेक्ट एक आधा सब्जेक्ट नहीं आता ये नहीं आता, ये हर एक की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा कोई इंसान को सबके सब सब्जेक्ट आते हैं या किसी को कंपटीशन कम है या सबको कंपटीशन ज़्यादा है। कोई कौन सी भी एरिया में रहो या कोई कौन सी भी जो एग्जाम के लिए आप समझते कि कैटेगरी वाइज रहता या रीजन वाइज रहता, लेकिन वो उतने इसमें वो एरिया में भी आपको कंपटीशन मिल ही जाएंगी, वो लेवल पे भी आपको कंपटीशन मिल ही जाएंगी। अगर तुम बोल रहे कि हमारे कंपटीशन औरंगाबाद वालों से ही है तो औरंगाबाद वाले में भी कंपटीशन आपको ज़्यादा मिल ही जाएंगी। अगर आप बोलेंगे कि मैं अभी औरंगाबाद में तो ठीक है अच्छा है मेरा स्कोर अच्छा आएगा, एज अ महाराष्ट्र लेवल में देखा जाए तो वो लेवल में भी आपको कॉम्पिटिशन मिलने वाली है। कॉम्पिटिशन किधर भी कम होंगी नहीं, उस कॉम्पिटिशन में तुम खुद कैसा आगे आते ये तुम्हारे खुद के प्रयासों पर, पूरा खुद के प्रयासों पर डिपेंड रहता है। तो मेरा ये लेक्चर या सर के मेरे बुलाने का ये सबके लिए आपको एक कहने का एक ही मायना है कि जो आपका मौका है अभी जो मिला है वो तुम पूरा लो, उसको पूरा खुद में एक ध्यान में रखो कि यार नहीं मुझे करना है, मुझे जो जिसके लिए मैं या क्लासेस करता हूँ या कॉलेज करता हूँ या मेरा अभी जो मुझे एग्जाम देनी है मैं ये करके ही रहूँगा। एक खुद को एक बोलना, जब अपन बोलते हैं ना जो हैमर करते रहता, देखो एक हैमरिंग करी है तो ऐसा खिला भी अंदर जाता है दीवार के, वैसा खुद के अंदर डालो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसा अगर खुद को बोलते रहना तो बाद में तुमको खुद को ही लगता है कि यार नहीं हाँ मुझे आज बोला है मुझे आज ये पढ़ना है, तो जब तुम रात को जब सोने को जाते हो तो तब तुमको याद आता है कि नहीं मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना था, ये मैंने खुद को बोला था लेकिन मैंने आप पढ़ा नहीं, तो आपको थोड़ा कुछ ऐसा माइनस प्लस लगेगा कि यार मैंने आज कुछ तो गलत किया, मैंने आज इतना पढ़ा नहीं, तो आप वो पढ़ेंगे। ये खुद को ऐसी आदत डालो, कोई भी आदत डालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, एक 10-15 दिन तक वो चीज़ खुद को करते रहो। आपको खुद ये जो पॉजिटिविटी रहती है ना खुद के अंदर की, ये डालना शुरू करो कि खुद के अंदर पॉजिटिविटी कैसे कैसे तैयार करनी, क्योंकि वो पॉजिटिव आपको लानी पड़ेगी खुद के अंदर, और उसके लिए आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने कितना ही बोला या सर ने कितना ही बोला तो, लेकिन जो करना है वो तुमको ही करना है ना। हम तो सिर्फ एक जरिया है कि आपको ये चीज़ के लिए ये चीज़ के बारे में बोल सकते कि ये कैसा करना है आगे क्या हो सकता है। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपको बोर्ड का परसेंटेज कवर करके उसके बाद नीट देनी रहती है, और नीट का अभी का बोला जाए या इस साल का देखा जाए तो भी मार्क लिस्ट बहुत बहुत है, रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, 400-500 को किसका ही रैंक लगता नहीं, 720 मार्क की एग्जाम रहती है, 500 के या 550 के ऊपर ही रैंक मार्क्स चाहिए तो मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट एज पर कंसर्न विद ओनली MBBS, जिसको MBBS का मतलब जिसको सबको जाना है MBBS की फील्ड या जिसने मेडिकल PCB है उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर भी इनकेस अगर आपका स्कोर नहीं आया और अगर आपसे MBBS नहीं हो पा रहा है और आपका स्कोर फिर भी इतना बुरा नहीं और अच्छा है कि आप उसके लिए नीचे के 2-4 ब्रांचेस रहते हैं, MBBS हुआ उसके बाद BHMS है, BMS है, BDS है, फिजियोथेरेपी है,
ऐसे कुछ कुछ ब्रांचेस है मेडिकल फील्ड के जिसके में आप अपना करियर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप बोलेंगे कि किसी को लगता है कि यार मैं MBBS नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं, तो ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आपका करियर स्टॉप हो जाएगा। देखो बाहर, बायो के बेस पे, मैथ्स के बेस पे बहुत सारे कोर्सेस रहते, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते, तो खुद का जितना दे सके उतना दो, लेकिन नहीं हुआ तो खुद को उसके लिए ब्लेम मत करो। आपके हाथ में और भी रास्ते रहते, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हुआ तो बाकी के कई रास्ते भगवान ऊपर वाला हमेशा खोल देता है। ये सब आप ध्यान में रखो, मन से पढ़ाई करो। और हाँ, 24 आवर्स, इतना ध्यान में रखो, 24 आवर्स तुम सबके लिए एक मौका है। ये आगे आने वाले 4-5 महीने की जितने भी 24 आवर्स है, ये आप कैसे किस तरह से हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, और उसके ऊपर ही आपका आगे का जो भविष्य है वो उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। जाते जाते एक लाइन रहती है हिंदी की, वो बोलते जाऊंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। सो मैं मेरी तरफ से, ये क्लासेस की तरफ से, आप सबको आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलूंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो सर को, हमको, किसी को भी आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर जय बारसे सर फॉर गिविंग अस टाइम। एक्चुअली ही इज टोटली बिजी, सो ही हैज गिवन अस टाइम, सो आप इनके टाइम का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे पॉइंट करना था कि जैसा कि सरफराज ने कहा कि मुझे पढ़ाई करने का दिल करता है, लेकिन क्या मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये हर किसी के साथ होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सी, जब हम लोग थे इंजीनियरिंग में, तो जब हम अकेले स्टडी करते थे, व्हेन वी स्टडी अलोन, तो एक्चुअली आता था इस सिचुएशन, क्या करना है, हर किसी को होता है टॉपर। तो उसका सोल्यूशन ये है कि ग्रुप स्टडी कीजिए, ज्वाइन एनी लाइब्रेरी। औरंगाबाद में बहुत लाइब्रेरी है 12th स्टैंडर्ड के लिए, जाओ वहाँ पे और ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पूरा एक माहौल होता है स्टडी करने का। तो आप 1 घंटे से 5 घंटे इतना स्टडी कर लोगे कि आपको पता चलेगा नहीं कि 5 घंटा मैंने स्टडी किया। सो अगर आपको ऐसी, जिस किसी को भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जब स्टडी करता हूँ तब दिल नहीं करता है, तो अकेले कभी मत पढ़ना, कोई दोस्त को लेके पढ़ो या डायरेक्टली कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम लोग का यही माहौल था कि हम लोग बुक्स, हमारे, मैंने ऐसे भी देखा टॉपर्स जो दे डोंट हैव बुक्स इन देयर हैंड्स, वो कम्युनिकेट करते थे, डिस्कस करते थे, वो डिस्कशन करके पढ़ते थे, तो उनको इतना ईजी जाता था वो। और वो इवन उनके जो PL लगते थे, वो PL में घूमने फिरने जाते थे, उनसे पूछा जाता था कि यार आप PL चल रहे हो और आप घूम रहे फिर रहे, तो जॉब क्या देते थे? सर हम लोग टेंशन नहीं, हम लोग रिलैक्स हो रहे हैं, हम, समझे बात को? तो सबसे बड़ा पावर क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, यहाँ पर लास्ट ईयर जो बैच थी हमारे, तो लास्ट ईयर उनका एक ही काम था, कोई सर नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वो डायरेक्ट डिस्कशन करते थे। इस बैच में ऐसा कुछ भी समय नहीं है, कोई सर नहीं आया तो आप लोग इसको ईजी लेते हो, डिस्कशन का तो नाम ही नहीं है कि वो डिस्कस कर रहा है स्टडीज की। कि अपार्ट फ्रॉम, क्या आप बाहर गए, सपोज इफ यू गो आउटसाइड, और कभी आई नेवर हर्ड दैट समवन इज स्पीकिंग अबाउट द स्टडीज, कि ऐसा क्या करना है, आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हो सर नहीं रहा तो, डायरेक्ट अलग टॉपिक की बात होती है आपकी। जब सर आते हैं तभी आप बुक से बात करते हैं, अदरवाइज कोई कंसर्न नहीं। हाँ, ये बात तो पॉइंट हो गया। सेकंड थिंग, आपको अभी सर MBBS कर रहे हैं जैसा कि बताया, सर का इंटर्नशिप बाकी है, तो MBBS के ताल्लुक से कुछ पूछना है आपको, कौन सा कॉलेज सर ने किया, कैसे स्टडी है, क्योंकि इसी, अभी आप MBBS नहीं कर रहे हो, अभी आप वहां तक पहुंचे भी नहीं हो, लेकिन सर ने आई थिंक 4-5 ईयर्स ना, सर हैज स्पेंड 5 ईयर्स डूइंग MBBS, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द MBBS, कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसको। आपके पास किसी के पास क्वेश्चन है क्या पूछने के लिए? आपका जो सपना है उसके बारे, उसके लिए आपको मालूम रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर वो ही रखा नहीं आपने, या आपने एक एम ही नहीं रखा कि मुझे करना क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है,
फिर आप उसके आगे आगे बढ़ कैसे सकते हैं? आप सोचोगे कि मैं पास आउट होऊंगा, नीट दूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे करना है, उस टाइम पे आप कुछ नहीं करोगे। आप लोगों को आज ही सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और जिस दिन आप सोचोगे उस दिन से आप स्टार्ट करोगे। ऐसा होता है कि आप हमें जब भूख लगती तब खाना बनाने की मम्मी नहीं, पहले आधा घंटा बनाने स्टार्ट कर दी मम्मी, खाना बनाते हमें भूख लग जाती है फिर हम खाना खाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मम्मी खाना बनाने से पहले चाइनीज खा के आ रहे हो लोग, शॉर्टकट यूज करते हो। सो कोई कंसर्न नहीं, कोई इशू, कोई कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ समझे आपने बस। इतिश्याम स्टैंड अप बेटा, see he is our topper actually, but he is actually a confidence less student. इसमें confidence नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो डरता है बहुत, और हम लोग चाहते हैं कि वो आगे आगे कुछ करना हो, और वो उसका डर निकालना है उसका। कर सकता है किसने? ऊपर दे। पूछो बेटा आपके क्या डाउट्स है, क्या आपका क्या है टारगेट, बताओ खुल के बताओ। तो क्या बनना है? जैसे कुछ अभी डिसाइड हुआ है कि कुछ बनना नहीं है, सिर्फ ऐसा ही बैठना है? आप तुम्हें उस चीज के बारे में पता है कुछ, वो क्या रहता है, उसका यूज कहाँ पे रहता है, क्या वो फील्ड क्या है वो पता है? तो तुझे तेरे सपनों के बारे में अगर पता नहीं रहेगा तो तू उसके लिए हाथ पैर कैसे मारेगा, तू पढ़ेगा कैसे? सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, तुझे सिर्फ यही पता रहेगा कि तू पढ़ रहा क्या है, किस चीज के लिए पढ़ रहा, यही तुझे नहीं मालूम रहा ना, तो तू उसके लिए उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तू खुद के अंदर वो जो इच्छा रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे इसका नॉलेज लेना है, तो उस चीज के लिए तू खुद को फोकस कर। खुद वो अकेला नहीं है, तुम सब भी खुद को एक चीज जो रहती, जो आपका एम रहता है उसके लिए फोकस करो। मतलब जो सर ने बोला एक डेस्टिनेशन पकड़ो, औरंगाबाद टू जालना, फिर उसके लिए रास्ते ढूंढो, पैदल जाना है, कार जाना है, ट्रेन जाना है, प्लेन जाना है, कैसे जाना है, लेकिन जाना है, और ऐसा जाना है कि खुद सबसे अच्छे जाएंगे, मतलब सबसे बाकी लोग भी जाएंगे तुम्हारे साथ लेकिन कौन अच्छा जाएगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, ये आप जानो। डेस्टिनेशन जो आपने डिसाइड किया है, जो एम डिसाइड किया है, उसका रास्ता रास्ता चुनो, वो रास्ता कैसा पार करना है ये चुनो, मंजिल अपने आप मिल जाती। नीट की स्टडी मतलब कुछ अलग नहीं करना है, जो आपके नीट के जो नोट्स रहते, मतलब नीट्स के या जो आपके क्लासेस वालों ने या कोई भी नोट्स रहते उसमें जो MCQ रहते वो इम्पोर्टेंट रहते, मतलब आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज तो पता ही रहना चाहिए, उसका फार्मूला या वो चीज़ किस पे डिपेंड है, वो आपका एक थ्योरेटिकल रीडिंग होनी ही चाहिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता है आपको, ठीक है, वो कैसी डे रहे होती वो पता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस आपने MCQ कितने सॉल्व किए उसके ऊपर आपकी नीट की प्रैक्टिस डिपेंड रहती। सो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंखों से नीचे जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, नीट की प्रिपरेशन वही हो जाती है। मतलब नीट के लिए आप जितना MCQ सॉल्व करोगे उतना अपना रैंक बढ़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल रिस्पिरेशन में एक ही कार्बन कंपाउंड है, कौन सा? 5 कार्बन कंपाउंड, कौन सा है वो? अल्फा ग्लूटामिक एसिड। बट वही हर एक नीट के क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे बायो के बुक में एक ही कार्बन कंपाउंड है कि जो 5 कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। तो नीट के लिए आप जितनी MCQ सॉल्व करोगे उतना आपको नीट का पेपर इजी जाएगा। और हाँ पूछो सर, फॉर एग्जांपल अगर 12th के बाद स्टडीज कर रहे हैं जो हमारे को अपने पता नहीं है कि कौन सी फील्ड हमारे को ज्वाइन करनी है, पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, रिलेटिव बोलते हैं डॉक्टरिंग करो, तो हमारे पास से कौन सी फील्ड अच्छी है जो हम कर सकते हैं 12th के बाद? गुड क्वेश्चन। देख तेरा जो क्वेश्चन है ये सबको ही या सबके साथ ही ये होता है कि कोई बोलता है कि तू ये कर, कोई बोलता है तू वो कर,
मतलब मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी कुछ तुम्हारे से जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो हर एक पेरेंट्स के अपने बच्चे से रहती है। लेकिन जनरली क्या होता है, खुद ठीक है सर पकड़ता आदमी खुद को क्या करना है वो ये अपने को नहीं समझता कि अपने को क्या आता है। अपने को बायो में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है, ये ट्वेल्थ में एंड एंड में समझ में आता है, इलेवंथ में ले लेते हैं, पीसीएम भी दोनों ले लेते हैं, चलो कुछ तो करेंगे। लेकिन बाद में समझता है कि यार ये इंजीनियरिंग को जा रहा दोस्त, मैं भी जाऊंगा। लेकिन खुद को अगर उसमें इंटरेस्ट है तो ही करो ना, किसी ने फोर्स किया और बाद में अगर आगे हुआ नहीं तो फिर ये भी चला जाता है वो भी चला जाता है। सो इस चीज का अगर इसके क्वेश्चन का आंसर रहा है तो यही है कि तुमको क्या पसंद है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में, या तुम किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, वही सब्जेक्ट या वही टॉपिक तुम या वही फील्ड तुम आगे जाके चूज करो। और इस बात के लिए घर वालों को कन्विंस करो कि सर वो घर वाले बोल रहे कि तू मेडिकल में जा और आप लोगों को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो घर वालों को उसी टाइम पे बोलो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। आप बोलोगे मेडिकल करो और बाद में मेरा मेडिकल में कुछ करियर नहीं होता, आप बोलोगे आपने कुछ नहीं किया। तो जिसमें बायो हो, मैथ हो, मतलब मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज स्टार्टिंग करो। ऐसा नहीं कि एक साल इंजीनियरिंग करो, अभी इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा, फिर सेकंड साल हम फिर से मेडिकल में, तो ऐसे 40 साल तक पढ़ाई करोगे क्या? तो फिर पहले से जिसमें इंटरेस्ट है उसमें पढ़ाई करो। और कुछ किसी को क्वेश्चंस? मयूर उसको एक दूसरे में क्वेश्चन पूछ के कुछ आंसर नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं कि अभी एक दूसरे में बात करनी है, हां एक दूसरे में करो, क्योंकि आप लोगों को भी उस फील्ड में से जाना है ना, आज नहीं तो कल जाना ही है। क्या कुछ क्वेश्चन है? ऐसे जो गप्पे मारते हैं ना वो डिस्कशन के लिए भी करते जाओ कि यार इसका एमसीक्यू इसका आंसर एक ही हुआ, फिर दूसरा बोले मेरा बी आंसर आ रहा, तो फिर झगड़ो आंसर के लिए, झगड़ो सर का आपको झगड़ो, लेकिन ये डिस्कशन प्रोडक्टिव होना चाहिए। करो क्रिकेट का करो, पॉलिटिक्स का करो, लेकिन एम्प्टी टाइम में करो। लेकिन जब क्लास में बैठते ना तो वो टाइम पे एजुकेशनल डिस्कशन करो, वो कभी ना कभी उसका एमसीक्यू का कभी कभी याद आता है, यार मैंने बैठे बैठे उसने ऐसा आंसर बोला था। और ये हम करते हैं क्योंकि हमारा 5 साल का सिलेबस रहता है, तो पढ़ के तो होता नहीं है, वो एक दूसरे को बोलना ही पड़ता है कि ये चीज कैसी पढ़नी चाहिए। हम बोलते हैं यार ये नहीं, इसके लिए यही ये ड्रग है, ये डिसीज के लिए ये ड्रग इतनी क्वांटिटी में यूज करते हैं, कि अगर ये हुआ कि हमको इतने में 10 mg ही ये ड्रग देना है, उधर एमसीक्यू में सब रहता है 10 mg, 12 mg, 15 mg, 13 mg, फिर कन्फ्यूज होता है, फिर याद आता है नहीं वो बच्चे ने बोला था 10 mg ड्रो से तो हम 20 mg लेते, ये तब याद आता है, क्योंकि इतने सारे बड़े बुक में से इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना ये कोई आसान बात नहीं है। सेम आपके लिए भी अप्लाई होता है किधर भी, इसलिए डिस्कशन करो जिसके लिए जिसका आपको ही बेनिफिट रहेंगे। मतलब ग्रुप स्टडी करो, जितना ग्रुप स्टडी करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हेलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।